हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एज एग्ज़ाम। तो अभी हम हरियाणा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का 2018 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट सेकंड है, इससे पहले पार्ट फर्स्ट आया जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिए थे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 से डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आप वेरियस अदर एग्जाम्स के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। प्लस अगर आप सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखना चाहते हैं फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड, तो वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम स्टार्ट करेंगे सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, अकॉर्डिंग टू कूलम्स वेज थ्योरी द एक्टिव प्रेशर स्लाइड्स थी। तो कूलम वेज थ्योरी क्या कहती है, हमारा जो एक्टिव प्रेशर होगा कैसे स्लाइड करता है, हमारा एक्टिव प्रेशर आगे की साइड को, है ना। एक्टिव प्रेशर कब होता है, ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पे हमारी क्या है, कुछ भी वाटर या सॉयल क्या है, रिटेन्ड है। तो एक्टिव प्रेशर तब होता है जब हमारा क्या हो, वॉल आगे की तरफ को स्लाइड करे और जो हमारा बैकफिल मटेरियल है वो क्या करे, डाउन की साइड को स्लिप करे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डाउन एंड आउटवर्ड्स ऑन स्लिप सरफेस। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। आप सभी जानते हैं किसको, वर्ड रेशियो को बोलेंगे। नेक्स्ट इज द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ अ सॉइल, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल क्या करेगा, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल इज नॉट रिलेटेड विद द प्लास्टिक लिमिट, बी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट, सी डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द प्लास्टिक लिमिट, और डी इज डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट। तो देखो कुछ भी नहीं होगा, जैसे जैसे आप लिक्विड लिमिट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो क्या करेगा, कम करेगा, जिसकी वजह से आपकी सीसी की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो करेक्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए है हमारा, फेलियर प्लेन डू नॉट कैरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। बी है हमारा, फेलियर प्लेन कैरीज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सी है हमारा, फेलियर प्लेन कैरीज शियर स्ट्रेस इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और डी इज ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, ई इज नन। तो एक्चुअल में देखो क्या होता है, इस तरीके से हमारा कुछ सर्कल बनता है, तो फेलियर प्लेन कुछ इस तरीके से होता है। कभी भी फेलियर प्लेन हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कैरी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट इन वन केस। कौन से केस के लिए, क्ले के लिए, जहाँ पर हमारा फेलियर प्लेन पर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस देन। तो फेलियर प्लेन डज नॉट कैरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट इज द मोहर स्ट्रेंथ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट। तो मोहर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या कहती है, मटेरियल फेल्स एसेंशियली बाय शियर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ स्लिप। सी इज फेलियर क्राइटेरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज ओवर कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल इज कॉज्ड ड्यू टू, फर्स्ट इज इरोजन ऑफ ओवरबर्डन, बी इज मेल्टिंग ऑफ आइस शीट आफ्टर ग्लेशिएशन, सी इज परमानेंट राइज ऑफ वाटर टेबल, और डी इज ऑल ऑफ द अबव। देखो जो हमारा ओवरबर्डन प्रेशर है, अगर वो उसका इरोजन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव जो भी हमारा ओवर कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा, कॉज हमारा क्या था, पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा, जो हमारे पहले स्ट्रेसेस थे वो क्या थे, ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जो अभी लग रहे हैं। सी क्या है, परमानेंट राइज ऑफ वाटर टेबल। तो वाटर टेबल जब नीचे थी तो हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा आता था एज़ कम्पेयर टू जब वाटर टेबल ऊपर आ गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। एट द लिक्विड लिमिट ऑल सॉयल पोजेस, फर्स्ट इज सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज लोएस इज सिल्ट क्ले फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ, तो लॉयज हमारी क्या होती है, सिल्टी क्ले डिपॉजिट होते हैं, किसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फेरेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन अ डैम सेक्शन बिलो विच देर आर, तो
ऑप्शन देख लेते हैं, पॉजिटिव इक्विपोटेंशियल लाइन, बी पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सी नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और डी इज नेगेटिव इक्विपोटेंशियल लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नेक्स्ट इज द फेरेटिक लाइन इन एन अर्थ डैम मे बी, तो फर्स्ट इज देख लेते हैं सर्कुलर इलिप्टिकल पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन। अर्दन डैम में हमारा क्या होगा, पैराबोलिक हमारी फेरेटिक लाइन्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट इज अ वाटर कंटेंट इन अ सॉइल सैंपल व्हेन इट कंटिन्यूज टू लूज वेट विदाउट लूजिंग दी वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया है, तो वो किस लिमिट पर होगा, श्रिंकेज लिमिट पर। आपने इस तरीके से ग्राफ भी बनाया होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट के बाद आप देख रहे हैं क्या क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या है, कॉन्स्टेंट है, जबकि श्रिंकेज लिमिट के आगे अगर आप जाएंगे तो क्या है, वॉल्यूम क्या है, वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्ट्रेटम ऑफ क्ले 2 मीटर थिक विल गेट कंसोलिडेटेड 80% इन 10 ईयर, फॉर द 80% कंसोलिडेशन ऑफ 8 मीटर थिक स्ट्रेटम ऑफ दिस सेम क्ले द टाइम रिक्वायर्ड विल बी। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, टी वी इक्वल्स टू सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर। तो सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, बिकॉज एक ही क्ले की, एक ही सॉइल की बात हो रही है, तो उसको जब आप मतलब थोड़ा सा सही सी फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या आ जाता है आपके पास, दैट इज टी वन अपॉन डी वन स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू टी टू अपॉन डी टू स्क्वायर। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, इसको अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से टी वन अपॉन टी टू शुड बी इक्वल्स टू डी वन अपॉन डी टू का स्क्वायर, ठीक है। टी वन जस्ट इसमें आप पुट करिए, दैट इज टी वन कितनी दे रखी है, थिकनेस 2 मीटर, जस्ट अ मिनट, सॉरी टी वन इज टाइम, ओके, टाइम कितना दे रखा है 10 साल, अपॉन टी टू मुझे पता नहीं कितने साल लगेंगे, डेप्थ कितनी दे रखी है 2 मीटर, पहले की 2 मीटर स्क्वायर अपॉन दूसरे की कितनी दे रखी है मुझे 8 की स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 160। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें क्या है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। व्हेन स्ट्रेस डिक्रीजेस वॉइड रेशियो डिक्रीजेस, व्हेन स्ट्रेस डिक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिक्रीजेस, व्हेन स्ट्रेस डिक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज डिक्रीजेस। तो क्या है, तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट इज यस डी में दे दिया, व्हेन स्ट्रेस डिक्रीजेस वॉइड रेशियो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और वॉल्यूम चेंज हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फेलियर एंड मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज इक्वल टू, तो बिटवीन फेलियर और मेजर प्रिंसिपल प्लेन के बीच में हमारा एंगल कितना होता है, 45 + 5/2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 45 + 5/2 या फिर हाफ ऑफ एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज सिमन्स रेन गेज इज अ कैसा है, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, बाकी ये तीनों ही क्या है आपके, रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूपिट्स फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन, तो ड्यूपिट फॉर्मूला हमारा क्या है, 3 ऑब्जर्वेशन वेल्स पर क्या है, बेस्ड है। नेक्स्ट इज अ वेल इज सन्क इन एन अनकन्फाइंड एक्वीफर हैविंग अ सैचुरेटेड डेप्थ ऑफ 100 मीटर अज्यूमिंग द इक्विलिब्रियम फ्लो कंडीशन एंड होमोजीनियस एक्वीफर एंड रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस टू बी सेम, द रेशियो ऑफ डिस्चार्जेज एज 20 मीटर एंड 40 मीटर ड्रॉ डाउन इज। तो कुछ भी नहीं, आपको जस्ट आपको क्या कहते हैं, अनकन्फाइंड एक्वीफर का आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, फॉर्मूला लगा के किसका, एक का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का, ड्रॉ डाउन आपका एक का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का जब आप पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8/7, ठीक है, इधर थोड़ी सी स्पेस की कमी, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता इसको, ओके, स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ई हॉर्टन, दैट इज हॉर्टन इक्वेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन कर्व इज एफ इक्वल्स टू एफ कंसंट्रेटेड एफ ओ माइनस एफ सी ई रेज़ टू द पावर नेगेटिव ऑफ के टी। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, यस
नेगेटिव ऑफ केटी। एफटी क्या होता है हमारा, एफ ओ माइनस एफ सी मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ केटी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द पोर्शन ऑफ पेलिकुलर वाटर विच रिमेन्स यूटिलाइज्ड इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। द मॉइस्चर कंटेंट एट विच परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट टेक प्लेस इज कॉल्ड विल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है। द पाथ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉयल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉयल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड सॉयल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज द मॉइस्चर डेफिशिएंसी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो ऑब्वियसली ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एयर, तो आप जानते हैं जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं वहाँ पर आपकी जो स्किन है क्या होने लगती है, ड्राई होने लगती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस एट हायर अल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वॉज गिवन बाय। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, किसने दी थी, रॉबर्ट ई हॉर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्राउडिंग इज प्रोवाइडेड इन श्राउड, आप जानते हैं स्ट्रेनर टाइप होता है, कैविटी टाइप होता है, परफोरेटेड टाइप होता है और स्लॉटेड टाइप होता है, जिसके अंदर से हम श्राउडिंग किसके अंदर, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल के अंदर हम प्रोवाइड कराते हैं, जो भी हमें क्या कहते हैं पानी जब एक्सट्रैक्ट करना होता है किसी भी ट्यूबवेल में से। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल इनफिल्ट्रेशन ऑफ अ वाटर शेड हैविंग अ सॉयल विद फेयर पास्चर कवर इज 10 सेंटीमीटर एंड रेनफॉल इज 12 सेंटीमीटर। द डायरेक्ट रन ऑफ इज, तो कुछ भी नहीं है अगेन, डायरेक्ट रन ऑफ का जस्ट आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है डायरेक्ट रन ऑफ का फॉर्मूला, देख लीजिए आप क्या होता है, पी माइनस का 0.2 टाइम्स ऑफ एस अपॉन में पी प्लस का 0.8 टाइम्स ऑफ एस का इसका स्क्वायर, वेयर पी इज प्रेसिपिटेशन और एस क्या है पोटेंशियल इनफिल्ट्रेशन होता है हमारा। ठीक है, कुछ भी नहीं, जस्ट आपको वैल्यूज पुट कर देना है। प्रेसिपिटेशन कितना दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर का, और पोटेंशियल इनफिल्ट्रेशन कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, तो जस्ट इसको आप पुट करके आंसर क्या निकाल लेंगे 5 सेंटीमीटर। आइसोहाइड्स आर इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। नेक्स्ट इज लीव्स एंड फ्लड वॉल्स आर, तो लीव्स एंड फ्लड वॉल्स आर डिज़ाइंड टू कैरी अनबैलेंस्ड वाटर लोड, नहीं, डिज़ाइन विद एडिक्वेट डायमेंशन, नो, मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग फ्लड नेवर प्रोवाइडेड फ्री बोर्ड। तो लीव्स और फ्लड वॉल्स के अंदर हम कभी भी फ्री बोर्ड प्रोवाइड नहीं करते। ऑब्वियसली फ्लड वॉल्स फ्लड के टाइम पे जब आएगा तो उसके लिए प्रोवाइड करी जाती है, तो उसके अंदर हमें फ्री बोर्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।